फ्रेंड्स, आज हम एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 2 क्लास 10th का नेशनलिज्म इन इंडिया पढ़ेंगे। उसका पार्ट फर्स्ट, द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और इंडिया के अंदर नेशनलिज्म कैसे डेवलप हुआ, इसके बारे में हम इस चैप्टर में स्टडी करते हैं। देखो बच्चे, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हुआ 1914 से लेकर 1918 तक, और इस वॉर के अंदर इंडिया ने पार्टिसिपेट नहीं किया था, पर उस टाइम इंडिया कॉलोनी किसकी था? ब्रिटिशर्स की। तो डायरेक्ट और इनडायरेक्टली इंडिया को पार्टिसिपेट करना पड़ा वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के अंदर। जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर 1919 में ख़त्म हो गई, उसके बाद में इंडिया को बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी। अब वो प्रॉब्लम्स क्या क्या थी कि ब्रिटेन के अंदर डिफेंस एक्सपेंडिचर इंक्रीज हुआ, और उन्होंने उस बर्डन को रिड्यूस करने के लिए कुछ नए टैक्सेस इंट्रोड्यूस किए इंडिया के अंदर, और जो टैक्सेस थे इंडिया के अंदर ऑलरेडी जो वो लेते थे उनकी रेट्स इंक्रीज कर दी, यानी टैक्सेस इंक्रीज कर दिए। अब पीसेंट्स की जो इकोनॉमिकल कंडीशन थी वो और ख़राब हो गई, और एक नया टैक्स इंट्रोड्यूस किया गया, इनकम टैक्स। उसी साल 1920s के अंदर इंडिया की क्रॉप फेल्ड हो जाती है और ये टैक्सेस इंक्रीज कर देते हैं। अब उनसे जो यहाँ इंडियन पीसेंट्स होते हैं उनकी और भी ज़्यादा प्रॉब्लम्स बढ़ जाती हैं। अब उनकी इंक्रीज हो गई, क्रॉप फेल हो गई, तो लोगों के फेमाइन हो गया, लोग भूखे मरने लगे, और जब भूखे मरने लगे तो यहाँ पर एपिडेमिक फैला और करीबन 3 मिलियंस पीपल की डेथ हुई और प्लेग एपिडेमिक फैला। इसी के दौरान 1914 के बाद में 19 जनवरी 1915 में गांधी जी साउथ अफ्रीका से वापस इंडिया आ जाते हैं, और वो ये सारी सिचुएशंस को ऑब्जर्व करते हैं, घूमते हैं। अब उन्होंने जो सत्याग्रह, सत्य, अहिंसा, नॉन वायलेंस, इन ये इनके इम्पॉर्टेंट ट्यूल्स होते हैं, और वो इससे कंट्री की जो ये सिचुएशंस होती है उसे रिड्यूस करना चाहते थे। इसीलिए उन्होंने जो अपना फर्स्ट मूवमेंट स्टार्ट किया वो चंपारण में किया, जो एक जो बिहार में है। चंपारण मूवमेंट के अंदर चंपारण के प्रॉब्लम्स क्या थी चंपारण पीसेंट्स के साथ? चंपारण पीसेंट्स में वहाँ पर ब्रिटिशर्स जबरदस्ती उनसे इंडिगो कल्टिवेशन करवाते थे। अब इंडिगो कल्टीवेशन करवाने की वजह से वो वहाँ के जो पीपल्स थे, इंडिगो भी खरीफ क्रॉप है और राइस भी खरीफ क्रॉप है। अब क्या होता था कि वहाँ के फार्मर्स के जो इंडिगो कल्टीवेशन के लिए वहाँ की फर्टिलिटी रिड्यूस हो जाती थी, और फर्टिलिटी रिड्यूस होने के बाद वहाँ पर वो राइस कल्टीवेशन भी नहीं कर पाते थे, और वहाँ पर वो जो वहाँ के फार्मर्स थे उनको पेट भर के खाना भी नहीं मिल पाता था, क्योंकि वो इंडिगो प्रोड्यूस करते थे और इंडिगो बहुत लो कॉस्ट पर ब्रिटिशर्स परचेज कर लेते थे और उसी में से वो टैक्स रिड्यूस कर देते थे। अब उन्होंने जब गांधी जी ने यहाँ पर सत्याग्रह किया, और सत्याग्रह से इनका जो फर्स्ट सत्याग्रह एक्सपेरिमेंट था इंडिया में वो चंपारण मूवमेंट था, और इसमें उन्हें ग्रेट सक्सेस मिली। उसके बाद में उन्होंने नेक्स्ट सत्याग्रह पीसेंट्स मूवमेंट, जहाँ पर हैवी टैक्सेस खेड़ा के अंदर पीसेंट्स को पे करना पड़ता था ब्रिटिशर्स को, जिसको रिड्यूस करने के लिए गांधी जी ने सत्याग्रह चलाया, और यहाँ पर भी उन्हें सक्सेस मिल गई। उसके बाद में उन्होंने 1918 के अंदर मील वर्कर्स मूवमेंट चलाया, जिसमें मील वर्कर्स से लॉन्ग आवर्स वर्क करवाया जाता था, और इससे वो परेशान हुए। गांधी जी ने यहाँ भी सत्याग्रह चलाया और यहाँ पर भी उन्हें सक्सेस मिली। लगातार 3 ईयर्स उन्हें सक्सेस मिलने के बाद में अब उनके अंदर विल पावर आ गई कि सत्याग्रह से हम बड़े से बड़ी लड़ाई जीत सकते हैं। और आपने देखा कि हमने जो कंट्री की इंडिपेंडेंस ली वो हमने सत्याग्रह और नॉन वायलेंस के थ्रू ही ली। अब हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर पढ़ेंगे रोलेट एक्ट और नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, जो एक सबसे बड़ा सक्सेसफुल गांधी जी का मूवमेंट था। थैंक यू। मेरे वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए।